हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मेकअप लुक किया है और ये मेकअप लुक है समर के लिए। समर स्पेशल मेकअप लुक है, बिल्कुल बहुत कम समय में ये मेकअप आप कर सकते हैं, बहुत ही लाइट है। और मैंने ड्रेस भी बहुत लाइट वेट पहनी है, शिफॉन की साड़ी है। और अगर आप वेडिंग गेस्ट के रूप में इस लुक को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग एक बार इस लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, इस करने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप ये मेकअप कर सकते हैं। मेरा आई मेकअप भी आप देख सकते हैं और साड़ी की मैचिंग का ही मैंने सब कुछ किया है। बैंगल्स और ज्वेलरी सब मैचिंग है, लेकिन बहुत ही लाइट मेकअप लुक है और बहुत ही हल्के कपड़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों सबसे पहले हिमालय का जो क्लिंजर है क्लिंजिंग मिल्क, उससे मैं अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। गर्मी के मौसम में क्या होता है, पसीना वगैरह हो जाता है, इसलिए भले आपको हल्का मेकअप भी करना हो फिर भी आप अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर लीजिए। कॉटन की सहायता से मैं इसे जो है निकाल दूंगी और देखिए कैसा ब्लैक हो रहा है पूरा कॉटन। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डस्ट वस्ट तो रही होगी। अब गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी ग्लो टोनर मैं यूज कर रही हूँ। अच्छी तरह से स्किन में ऑब्जर्व हो जाने पर मैं एलो एक्वा जेल जो है एज ए प्राइमर यूज कर रही हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है इसे मसाज करना, बहुत स्मूथ हो जाती है स्किन। तो अच्छी तरह से इसे मैं मसाज कर ले रही हूँ और लिप्स पर जो है लिप बाम यूज कर रही हूँ दोस्तों, और वैसलीन ही यूज कर रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये ज्यादा अच्छा लगता है। आज का मेकअप मैं कर रही हूँ VLCC ग्लैम ग्लो स्किन परफेक्टर एवरी टिंटेड SPF 30 PA++ के साथ। 10-in-1 क्वालिटीज इसके अंदर है दोस्तों। और इसके लिए मैं पहले एक बात आपको मेंशन कर देना चाहती हूँ कि जब आप इसे स्किन में लगाएंगे और ये स्किन में जब ऑब्जर्व होगा तो ये एक छोटी सी हल्की हल्की लेयर छोड़ता है, परत छोड़ता है, उसे आप कॉटन की सहायता से हटा सकते हैं, लेकिन आपका चेहरा अच्छा खासा ग्लो करने लगेगा। आज का मेकअप मैं इसी के साथ करने जा रही हूँ दोस्तों और कुछ नहीं लगाऊंगी। देखिए कैसा चेहरे पर शाइनिंग आ गई है, ब्राइट लगने लगा है मेरा चेहरा। लैक्मे का मैं कॉम्पैक्ट यूज कर ले रही हूँ दोस्तों, और मेरे पास अभी हाल फिलहाल एक दो ही कॉम्पैक्ट हैं और यही मुझे ज्यादा पसंद आता है, तो इसे मैं अच्छी तरह से लगा ले रही हूँ। ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट है, इससे जो है मैं पहले आईब्रो फिल कर लूंगी इसी में जो कलर है उससे, क्योंकि हल्की हल्की सी ही आईब्रो को मुझे टच देना है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं दिखाना है। और फिर जो मेरा आई शेडो पैलेट है उसकी सहायता से मैं पैरेट ग्रीन कलर और डार्क ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन अपने आई शेडो पर आईलिड पर बनाऊंगी और बहुत ही प्यारा सा जो है शेड बनकर आएगा दोस्तों। इसको बहुत स्थिरता से करना है, कोई भी मेकअप है बहुत हड़बड़ी में हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद हल्की सी गोल्डन कलर के ऊपर से मैंने आउटलाइन दी हुई है, और जो रेगुलर लिप लाइनर है मेरे पास डार्क ब्राउन कलर का उससे मैं तो जो है कॉन्टोर कर रही हूँ। बस मुझे हल्का सा डिवाइड करना है अपने चेहरे को, इसलिए पतला पतला यूज कर रही हूँ। आप इसे थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट इससे आया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सभी कुछ आपके सामने है। ब्लेंडिंग में फिंगर से ही कर रही हूँ, उसी से ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। हल्का सा ब्लशर लगा ले रही हूँ लाइट पिंक कलर का, और चेहरा बहुत प्यारा लग रहा है। अब मेरा जो हाइलाइटर है दोस्तों, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, उसे मैं कर रही हूँ। आईलाइनर मैं लैक्मे का यूज कर रही हूँ दोस्तों, बहुत ही पतला पतला मैं लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत सुधारने में गाढ़ा हो जाता है। और काजल पेंसिल यूज कर ले रही हूँ। ओवरऑल मेरा जो है मेकअप हो गया है। मस्कारा यूज कर रही हूँ दोस्तों, हल्का हल्का ही मैं अपने जो है लैशेज को मस्कारा लगाऊंगी। और अब जो पार्ट बचता है पहले मैं कर लेती हूँ कंघी वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह, फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने ग्रीन टोन टी का जो है बॉडी लोशन यूज किया है दोस्तों, गुड वाइब्स का। और बैंगल वगैरह पहनने से पहले अच्छी तरह से हाथों को मॉइस्चराइज करना जरूरी है। अभी मैं यही यूज कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ यही शेयर किया। लाइट वेट ज्वेलरी जो है डाल ली है, बहुत ही अच्छी मैचिंग हो गई है दोस्तों। और अब एक पार्ट बचा है बिंदी का और लिपस्टिक का। तो लिपस्टिक के लिए मेबलिन की मेरे पास जो है लिप लाइनर है, इसे ही मैं अच्छी तरह से लिप पर शेप दूंगी और इसे ही अंदर फिल करूंगी। कोई दूसरी लिपस्टिक नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे हल्का मेकअप करना है। और बिंदी तो आप अपनी पसंद की यूज कर सकते हैं, बड़ी बिंदी भी लगा सकते हैं, मैं छोटी बिंदी यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। करीब से आप मेरा मेकअप देख लीजिए।
तो दोस्तों ये है मेरा ओवरऑल लुक। आप खुले पल्ले में भी इस तरह से ले सकते हैं, अच्छे लगेंगे देखने में। और अगर आप पिनअप करना चाहें तो आप पल्ला पिनअप करके भी ले सकते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का मेकअप लुक हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोग इसे इंजॉय करेंगे। क्लोजअप से भी मैं दिखा देती हूँ दोस्तों। और मैं सेटिंग स्प्रे इसलिए नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाया है जो स्वेट हो सके, अपनी जगह से इधर उधर हो, इसलिए उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम कम चीज़ें मैंने यूज़ की हैं और ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं जो दिन भर आपके बिल्कुल चेहरे पर टिकी रह सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।